सब में कितनी देर आपके खौफ में लाते रहेंगे और गलत काम करते रहेंगे। बुशरा बीबी के आसपास दर्जनों ख्वातीन होगी, लेकिन फरा बीबी का नाम क्यों मंदरियाम पर आ रहा है? एक, जब आपकी हुकूमत ख़त्म होती है तो एक खसूसी तैयारी पे फरा बीबी मुल्क से बाहर क्यों जाती है? और अगर गिलानी साहब के, जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के सोचा खाना तहाइफ भेजना गलत है, तो क्या इमरान खान के सही है? देखिए, मैंने तो पहले ही दिन पहले शुरू यहाँ से किया है कि सवाल करना तो तमाम से ज़रूरी है। तरीके इंसाफ जब भी बात करती है कि दूसरों का एहतसाब होना चाहिए, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा एहतसाब नहीं होना चाहिए, तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो एक, चूँकि इमरान खान के ऊपर कोई है नहीं चीज़, कोई चीज़ मिल नहीं रही, तो एक चीज़ को इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है ना वो 1122 बना हुआ है PDF की। वो जो ही कोई मसला होता है वो इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन करता है, वो वारंट शुरू कर देता है कार्रवाई। तो इसलिए ये एक इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है स्पेशली, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप को एक एड प्रोवाइड करने के लिए। उसकी वजह से ये इशू जो है बन रहे हैं। जो सवाल है जो डॉक्टर मजारी ने, अजमी ने आपके सामने ये बात रखी कि देखिए 100% आपने इमरान खान की घड़ी का सवाल हो गया, 3.5 करोड़ रुपया बड़ी रकम है, इसको ज़रूर इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो अरबहा रुपये के गिफ्ट जो हैं जो नवाज शरीफ, जरदारी और बाकी लोगों को मिले हैं, वो भी तो कहीं पर अकाउंटेबल होने चाहिए ना। अब जो नेकलेस हैं या जो घड़ियाँ हैं या जो कारें हैं, आप जो हमारा इंफॉर्मेशन जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो इदारा है, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो 3 दफ़ा ऑर्डर कर चुका है कि आप 1947 से लेके अब तक जो लोगों ने गिफ्ट्स दिए हैं वो आप पब्लिक करें। मैं ये कहता हूँ 1947 ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप चले इस तरह से कर लें कि 1990 से कर लें। 30 साल में जो गिफ्ट मिले हैं मुजरा आज़म को, वो पब्लिक मुजरा आज़म को, आर्मी चीफ को, जो बाकी उनको नेवल फोर्सेज के चीफ को, एयरफोर्स चीफ को, तोशा खाने वाले उसको पब्लिक करें ना। 3.5 करोड़ रुपया इमरान खान का जो है उसकी तो इतनी अकाउंटेबिलिटी हो रही है कि पूरे मीडिया ग्रुप पूरी 12-12 घंटे उस पर जो है वो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और जो बाकी अरबों रुपया है उसके ऊपर सिर्फ ये वो तो फरा बीबी से पूछ सकते हैं। मेरा थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आपको पाकिस्तान की लीगल सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप लोग जंग ग्रुप के खिलाफ लंदन में और उमर जोर के खिलाफ दुबई में केस करने जा रहे, लेकिन दूसरी तरफ आप इमरान खान हमला केस, आजम सवाती वीडियो लीक केस और अरशद शरीफ कतल केस में सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन का मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर इसका इसकी क्या तुक बनती है, लॉजिक क्या है? फिर आपका ख्याल में पाकिस्तान में हम यूनाइटेड नेशन पे चले जाए। देखें अदम एतमाद कैसे खत्म होगा, अदम एतमाद ऐसे खत्म होगा कि अगर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस सोचे। ये देखिए, ये मेरा मामला नहीं है, तरीके इंसाफ का मामला नहीं है, वो हम तीनों की पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं है। हमारा जो आखिरी हमारा जो पाकिस्तान के अवाम का एतमाद का जो इस वक्त हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर है, आप बाहर चले जाएँ, लोगों से पूछ लें कि आप क्या कहते हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में और क्या आपको इंसाफ मिलता है, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। तो हमारे पास देखें ना जो अवेलेबल चीज़ें हैं, हम तो सिस्टम को झंझोड़ रहे हैं। इमरान खान ने गोली खाई है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप का लहू बहा है इस तहरीक में, हम इस निज़ाम को झंझोड़ रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि जो बाकी इसमें बैठे हुए हैं, देखो ना ये जो इस तरह रजिस्ट्रार ने किया कि एक अनइलेक्टेड आदमी ग्रेड 20 का जो है, उसने सारे जो आपके इलेक्टेड लोग हैं उनको बाहर रोक लिया, उसने कहा कि आपको मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। ये दुनिया में तो जमहूरियत में ये नहीं हो सकता। जो करोड़ों लोगों के मुँह के ऊपर जो तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, और कोई सुप्रीम कोर्ट में हिलजुल नहीं हुई। रोजाना बैठ के आइन की पार्लिमानी बालादस्ती की बातें होती हैं, प्रैक्टिकली नहीं होती। ये बताइएगा, तो आप जिनकी भी बात कर रहे थे SOPs, ये सारी चीज़ें, जुल्फी भाई ने बोला कि इनको डीलर का मालूम है, तो आप लोग जिसके थ्रू ये बेची गई और जिसको बेची गई है घड़ी, उसको सामने क्यों नहीं ले गया जाता है ताकि इशू खत्म हो जाए? उसको भी जो डीलर्स थे, देखें ये जो ही हमारी गवर्नमेंट गिरी, इन्हने टारगेट किया कि सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स कौन से, बेचारा कतल ही ना उनके से सेंसिटिव। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ये ना हो कि उनके साथ भी वही हो जाए जो बाकी FIA के लोगों के साथ हुआ है और अरशद शरीफ शहीद के साथ भी हुआ, लेकिन बात ये कि वो एक डीलर है और वो बहुत सामने
इंशाल्लाह उनसे बात भी हो जाएगी, तो उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, और वो एफआईए की रियासत में रह चुका है, एफआईआर